हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे सब भले में होंगे। मैं सुगन सरंगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रैवल सुगन सरंगी। पूरी टूर चल रहा है, अभी मैं आ गया हूँ माता मठ या गौर विहार आश्रम या गुप्त वृंदावन। मेरे पीछे आप उसका एंट्रेंस गेट देख सकते हैं। ये पूरी लोकनाथ मंदिर से 3-4 किलोमीटर और अंदर की तरफ है। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं। ठीक, तो यहाँ पर गौर विहार आश्रम के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये कब बना था, क्या हुआ था, चलिए चलते हैं। यहाँ एंट्री का टाइम है सुबह 7 से 12:30 और 3 से 5। यहाँ एक नाचने वाले गणपति जी का मूर्ति है एंट्रेंस में। यहाँ पर अभी टिकट ले रहे हैं 10 रुपए पर हेड। सामने जैसे ही आपको दिख रहा है बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी का एक मूर्ति है, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर। चलिए अभी आगे चलते हैं। अंदर जाना मना है यहाँ से। ये कामधेनु माता का मूर्ति है। देखिए भगवान विष्णु के बहुत सारे अलग अलग रूप जो गीता में बताए थे। माँ सरस्वती जी का मूर्ति। यहाँ पर गेट सब बहुत ही सुंदर बनाया गया है। चलिए और आगे चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी का मूर्ति। बेसिकली यहाँ पर वृंदावन का ही प्रतिरूप बनाया गया है। जैसे कृष्णा गोपियों के साथ खेलते थे, यहाँ पर देखिए एक भालू का मूर्ति बनाया गया है। यहाँ पर एक शेर सोया हुआ है। उड़िया भाषा में यहाँ चैतन्य महाप्रभु जी का वाणी सब लिखा गया है। एक बहुत ही सुंदर राधा और कृष्ण जी का मूर्ति बनाया गया है।
यहाँ पर कृष्णा जी और राधा जी का रासलीला, कृष्णा जी का बाल्यकाल जैसे हुआ था उसका प्रतिरूप सब इस वो सब बनाया गया है। रामायण के बारे में भी बताया गया है, हनुमान जी के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर देखिए चैतन्य जी के भक्त हरे कृष्णा करते हुए, यहाँ देखिए हनुमान जी का एक बहुत ही विशाल मूर्ति। सुनहरे रंग के हनुमान जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही भव्य, वो भी राम नाम कीर्तन करते हुए। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण और राधा जी का जो रासलीला है उसी को गोपियों के साथ उसी का ही वर्णन किया गया है मूर्तियों के द्वारा। बहुत ही सुंदर है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। अभी भी यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं इसको, ज़्यादातर जो पुरी आते हैं वो जगन्नाथ धाम दर्शन करते हैं और समुद्र सी बीच, लेकिन ये भी एक देखने लायक जगह है। यहाँ पर सनातन धर्म के जो अलग अलग भगवान, मतलब जो भगवान विष्णु जी का अलग अलग रूप हैं जो भी हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गजराज और घड़ियाल उसका एक बनाया गया है। अभी और आगे चलते हैं। ये देखिए भगवान नरसिंह स्वामी, भगवान नरसिंह स्वामी का ये मूर्ति बहुत ही सुंदर है। अभी इस तरफ जाने से पहले अभी राइट साइड चलते हैं, देखते हैं क्या है। समुद्र मंथन के ऊपर देखिए कैसा एक बनाया गया है। चलिए वापस उसी तरफ पहले चलते हैं, वो अंदर में क्या है वो देख के आते हैं। बहुत ही बड़ा जगह पर ये गुप्त वृंदावन बनाया गया है, फुल पैसा वसूल।
बहुत ही सुंदर सा कोणार्क चक्र यहाँ पर बनाया गया है। आगे चलते हैं। ये शनि भगवान जी का मंदिर है, चलिए दर्शन कर लेते हैं। चलिए और आगे चलते हैं, क्या देखते हैं। यहाँ पर कृष्णा जी अपने बाल सखाओं के साथ चलिए देखते हैं इस तरफ क्या है। वही जो हनुमान जी का स्टैचू था उसी के सामने की तरफ भगवान राम जी का एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है। आगे में कैलाश पर्वत और एक बहुत बड़ा सुंदर सा शिवलिंग बनाया गया है। भगवान बुद्ध जी का एक बहुत सुंदर मूर्ति। यहाँ पर दर्शाया गया है श्री कृष्ण गोपियों के साथ नौका विहार करते हुए। बहुत ही बारीकी से काम किया गया है हर एक मूर्ति के ऊपर। बहुत ही सुंदर शिव जी का एक मूर्ति। भगवान शिव का बहुत सुंदर मूर्ति है। ये भगवान चैतन्य जी का ही मूर्ति है, बहुत सारे लोगों को कृष्णा जी का मूर्ति लगता है। ये चार हाथ वाले भगवान चैतन्य जी का मूर्ति। अब चलिए चलते हैं ये गिरिप्त वृंदावन का मेन जो अट्रैक्शन है उसको देखने के लिए। अब देखिए आगे हैं चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत बड़े मूर्ति की तरफ। ये है भगवान चैतन्य जी का करीब करीब 50 फीट हाइट का एक सुंदर सा मूर्ति, जो अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले ही ये बनाया गया, मतलब पब्लिक के लिए खोला गया है।
देख रहे हैं लोग कितने सेल्फी उठा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। यहाँ चारों तरफ ये देखिए जो रथ यात्रा के बारे में बताया गया है, कैसे लोग होते हैं रथ यात्रा के टाइम, तीनों रथ हैं सामने में, बहुत सारे पब्लिक उसका एक बनाया गया है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी से विनती करते हुए दर्शन के लिए उसका एक बताया गया है। बहुत ही सुंदर ढंग से जगन्नाथ जी के और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है यहाँ पर। आपको ज़रूर ज़रूर यहाँ आना चाहिए और बच्चों को भी लेके आना चाहिए, ताकि बच्चे भी हमारे धर्म के बारे में जान पाएँ, क्या है कैसा है, इसकी भव्यता भी देख पाएँ। मैं तो ये बोलूँगा कि मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं गया, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, मुझे बहुत कुछ देखने को जानने को मिला। ये पूरी मंदिर से जो लोकनाथ मंदिर है उसी रास्ते में आएंगे, तो फिर लोकनाथ मंदिर से और 3-4 किलोमीटर आगे बिरानी एरिया में ये गुप्त वृंदावन है। एक बहुत ही सुंदर तोते का मूर्ति है। अभी चलिए और आगे चलते हैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु को, यह अभी हाल ही में बनाया गया है। हर तरफ कुछ ना कुछ है, मतलब ऐसा नहीं कि आप ध्यान हटा सकते हैं, हर तरफ कुछ ना कुछ तो गारंटी है। ये देखिए भगवान कृष्ण और राधा जी का एक मूर्ति गोपियों के साथ। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर जमीन पे चैतन्य महाप्रभु जी का एक सुंदर सा मूर्ति बनाया गया है, बहुत ही भव्य है। कम से कम नहीं तो 30 से 40 फीट का ये मूर्ति है सोते हुए। देखिए कितना सुंदर जीवंत गाय जैसा लग रहा है, मतलब ये रियल गाय जैसा लग रहा है, गाय और बछड़ा उसका दिखाया गया है यहाँ पर। ये है भगवान जगन्नाथ जी के 12 बेस, जो साल भर में अलग अलग टाइम में भगवान जगन्नाथ जी के अलग अलग बेस होते हैं, हर एक अलग अलग इवेंट के टाइम में उसका यहाँ दर्शन बताया गया है, क्या क्या बेस होता है। अब हम लोग एग्जिट की तरफ निकल पड़े हैं। तो माता मठ घूमना हो गया या गुप्त वृंदावन घूमना हो गया, और फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा,
अगर आप भी पूरी आते हैं इसको घूमना मत भूलिएगा। यहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मूर्ति है और अभी हाल ही में चैतन्य महाप्रभु जी का भी एक तो बहुत बड़ा मूर्ति एस्टेब्लिश किया गया है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।